नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेज स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं। आज मैं दोस्तों हिंदी का पार्ट 6 लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह परीक्षा के दृष्टि से बनाया गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए तथा अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिस रचना का अंत सुखद हो, जिस रचना का अंत सुखद हो, ए सुखदा सुखांतक सुखांत सुखा सुखदायक, इस तरह से चार विकल्प हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा इसका वो सी विकल्प सही होगा। क्या होगा? सुखांत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? वीर शाखा दर्शन कायर, वीर शाखा दर्शन कायर, दूसरे का। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा दर्शन। ठीक है, सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, वृद्ध शब्द का सही विलोम क्या होगा? विकास विस्तीर्ण क्षीण ह्रास, तो आपका सही आंसर होगा इसका डी विकल्प, ह्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चार, अनुदित में कौन सी संधि है? अनुदित में कौन सी संधि है? दीर्घ गुण यण विसर्ग, तो आपका अनुदित में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपाद मस्त शब्द का आशय क्या होगा? पैर से मस्तक तक, पैर और मस्तक, पैर को स्पर्श करना, मस्तक को प्रणाम करना, पांचवें का। तो पांचवें का आपका जो सही आंसर होगा पांचवें का ए, पैर से मस्तक तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा रूपक अतिशयोक्त विरोधाभास, छठवें में। तो छठवें का जो सही आंसर होगा आपका डी विकल्प आपका सही होगा, विरोधाभास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सात देखेंगे, कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? विटप सुमन प्रसून कुसुम, तो आपका जो सही आंसर है इसका होगा बिटप, ए विकल्प आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे, स्थावर का विलोम, स्थिर स्थित अचल जंगम, आठवें का। तो आठवें का आपका सही आंसर होगा डी विकल्प सही होगा, जंगम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नौ, भाववाचक संज्ञा का भावाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, भावाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर नौ, करुण कौशल कुशल कृपाण, तो आपका सही आंसर होगा नौवें का कृपाण। ठीक है, कृपाण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दस, जो अपने स्थान से ना गिरे के लिए एक शब्द, अच्युत अचूक अस्थिर अदम्य, दसवें का। तो दसवें का सही आंसर होगा आपका अच्युत। ठीक है, अच्युत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखेंगे, गुल खिलाना का सही अर्थ, गुल खिलाना का सही अर्थ, ग्यारहवें का, गुल खिलाना का सही अर्थ क्या होगा? पौधे पौधों की सेवा करना, प्रेम करना, झूठ बोलना, कोई बखेड़ा खड़ा करना, सही आंसर आपका ग्यारह का होगा डी। ठीक है, ग्यारह का डी, कोई बखेड़ा खड़ा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है ग्यारह का, सॉरी बारह का। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है बारहवें में, तो बारहवें में लिखा है प फ ब भ म, बी में है ता थ द ध न, सी में है या रा ला व, डी में है च छ ज झ ञ, तो बारह का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी विकल्प। ठीक है, या र ल व। नेक्स्ट देखेंगे, औरस का विलोमार्थक शब्द है, सौतेला दंतक सौरस नीरस,
13 का, तो 13 का आपका ए विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। शिल का तत्सम रूप, शिला, शैल, शिला, इनमें से कोई नहीं, तो 14 का आपका सही आंसर होगा शैल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। गौरी शंकर पद में समास है, क्वेश्चन नंबर 15 गौरी शंकर पद में समास है, 15 का कौन सा आंसर सही होगा, द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास बी विकल्प सही होगा आपका। चलिए अगला देखेंगे, अशुद्ध वर्तना वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई, वर्तनी होना चाहिए, अशुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सुलह में, तो सुलह में आपका सही आंसर क्या होगा, ए विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17। उसने कहा था कि लेखक, उसने कहा था कि लेखक कौन है, धूमिल, प्रेमचंद, नागार्जुन, चंदन शर्मा, गुलेरी, कौन है, 17 का डी विकल्प आपका सही होगा, 17 का डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुभागमन में संधि है, शुभागमन में संधि है, 18 का डी, ठीक है, 18 का डी, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, 18 का डी सही होगा, यण, गुण, आयादि, दीर्घ, तो कौन सा सही होगा, दीर्घ संधि सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहा जाता है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, पूर्णकालिक, 19 का, तो 19 का सही आंसर होगा आपका बी विकल्प आपका सही आंसर होगा, 19 का बी विकल्प सही होगा, सकर्मक। चलिए 20वां क्वेश्चन देखेंगे, वह आम मीठा है, वह आम मीठा है, तो मीठा कौन सा विशेषण है, विशेष, विशेषण, विधेय, विधेय विशेषण, प्रविशेषण, तो 20 का सही आंसर होगा आपका सी, 20 का सही आंसर होगा आपका सी, विधेय विशेषण। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, पंक्ति में कौन सा रस है, 21वां क्वेश्चन, श्रृंगार, वीर, अद्भुत, विभत्स। ठीक है, तो 21वें में आपका होगा सही आंसर ए, ठीक है, श्रृंगार रस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, क्वेश्चन नंबर 22 बी, 22 में आपका कौन सा होगा, बी विकल्प सही होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 है, 10 है, 13 है, 15 है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 10। ठीक है, 10 आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, युद्ध दानों में कौन सा अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक, 23 में आपका, 23 में देखेंगे, 23 में आपका कौन सा सही आंसर होगा, 23 में आपका सही आंसर होगा रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए हिंदी का पहला समाचार पत्र है, उदंत, मार्तंड, वगदूत, लोकमित्र, प्रजाहितैषी, तो आपका सही आंसर होगा 24 का ए, उदंत मार्तंड। ठीक है, ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, प्रसाद की रचना नहीं है, आंशु, पल्लव, कामायनी, झरना, प्रसाद की रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो आपका ये जो बी विकल्प है, पल्लव, ये नहीं, बाकी सभी हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, बी विकल्प। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी शब्द किसका दिया है, आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कों का, 26 में, तो 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी विकल्प, ईरानियों का। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, तितली उपन्यास के रचनाकार, प्रेमचंद्र, अमृत राय, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, तो 27 का सही आंसर होगा आपका सी विकल्प आपका सही आंसर होगा। यहाँ तक देखें, 27 में देखेंगे आप,
27वें तितली उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद, अमृत राय, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन। तो 27 का सही आंसर होगा आपका डी विकल्प। एक सेकेंड, 27 का सही आंसर जयशंकर प्रसाद जी होगा, ठीक है जी, जयशंकर प्रसाद सी विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। नापित का तद्भव रूप है नाती, नाई, नपता, नमित। 28 का करेक्ट आंसर आपका होगा 28 का नाई, बी विकल्प आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देंगे। महल के भीतर का भाग अंतःपुर, रानीवास, कोठरी, जनानी ड्योहड़ी। तो इसका सही आंसर होगा 29 का ए, अंतःपुर, ठीक है, ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा, ए विकल्प आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, वर्ण, रंग, जाति, वर्ण, कौन सा विकल्प गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर है डी विकल्प, ठीक है, वर्ण, ठीक है। चलिए इस तरह से दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।